वेलकम टू चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग करे जा रहे हो और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये गलती ना करें। तो ये गलती केवीएस पीआरटी के एस्पायरेंट भी कर रहे हैं, केवीएस टीजीटी के एस्पायरेंट भी कर रहे हैं और केवीएस पीजीटी के एस्पायरेंट भी कर रहे हैं। और ये गलती देखना आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगी, नो डाउट, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ वो गलती क्या है। मैं आपसे डे वन से कहता आ रहा हूँ, डे वन से, कि अभी फिलहाल कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और किसी का नाम नहीं लूंगा और आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि डे वन से मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर कोई चेंजेस होने वाले होंगे, क्योंकि जब तक देखो जब तक आपको गेम के रूल ही ना पता हो तो गेम किस बात का, जब तक आपको गेम के रूल ही ना पता हो तो गेम किस बात का। लेकिन अब आप सब में से कोई ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव इंसान है, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पहले तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, जिस दिन आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा उससे एग्जाम भरने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा, फिर एग्जाम फिलिंग लास्ट डेट से एग्जाम तक, रिटर्न एग्जाम की डेट तक आपको फिर 2 महीने मिलेंगे, तो यहां पे 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे। इन 3 से 4 महीने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना डेली और कुछ मत करना। अगर आप इन 3 से 4 महीने डेली 2 टेस्ट देते हो तो आप कितने टेस्ट दे दोगे, 180 टेस्ट, अराउंड 200 टेस्ट, और 200 टेस्ट देने के बाद तो आप आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी तो बहुत छोटा है। अब मैं ये तो पहला आंसर दे दिया उसके लिए जो सोच रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं कि अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए तो अभी मुझे करना क्या चाहिए, अभी मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं उसका जवाब बता देता हूं। पीआरटी वालों को तो ऐसा बहुत रेयरली होगा कि जो कह सके कि मैं 100% तैयारी कर चुका हूं, और कोई कह रहा है 100% तैयारी कर चुका हूं तो वो अपने आप को और मुझे दोनों को धोखे में रख रहा है, ठीक है ना। मेरे को धोखे में रख के क्या उखाड़ लेगा, ठीक है, या उखाड़ लेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करो। जैसे पीजीटी में मानो पीजीटी फिजिक्स हो, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही सब नॉलेज है, ठीक है ना। पीजीटी फिजिक्स हो, सपोज आपने 11th 12th का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, नो डाउट, अब 11th 12th के टॉपिक्स को आईआईटी जेईई लेवल तक एमसीक्यू लेवल के कर लो, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये सारा हो जाए तो थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पढ़ लो, समझ आ रहा है। टीजीटी के लिए कह रहा हूं अगर आप 9th 10th तक का कर रहे हो तो 11th 12th तक का कर लो, समझ आ रहा है। 11th 12th तक का कर लिया तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ग्रेजुएशन का पढ़ लो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कह दे कि मैं पूरा तैयारी कर चुका हूं। ये भी जवाब दे दिया कि अब आपको इस समय क्या करना चाहिए। पहला जवाब क्या दिया कि अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए ये बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मानो मैं कुछ बेच रहा हूं, कोर्स और टेस्ट सीरीज बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको कहूंगा कि भाई फ्री टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन करिए। आप करोगे, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर दिन में एक फ्री टेस्ट अलाउ करूंगा कि आप ज्वाइन करें। और ये 99.9 मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं, इसका लेवल इतना टफ रखूंगा कि कोई भी एक सही एस्पायरेंट इसको पूरा सॉल्व कर ही ना पाए। आउट ऑफ द ट्रैक भी रखे जाएंगे क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल हाई भी रखा जाएगा, जबकि चलो छोड़ो। और पहली बात तो ये कि रूल डिफाइन तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बाद होंगे, वो ऐसा क्यों करा जाएगा जब एक एस्पायरेंट ये टेस्ट देगा तो वो कहेगा यार। जैसे मैं एक एग्जांपल, इसका बहुत एग्जांपल, जब हम 10th का पढ़ाते थे ना तो हम क्या करते थे, जैसे मानो कोई नया बैच है, नए इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाने जा रहे हैं आज से 12-13 साल पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, जैसे मानो एक नया इंस्टीट्यूट है वहां पे 50 बच्चे हैं, मैं वहां ट्रायल क्लास देने गया तो मैं पता क्या करता था, मुझे ये तो क्लियर होता था कि मुझे इस एक क्लास में ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि ये मुझे ज्वाइन कर ले। मैं अपना बता रहा हूं, उनका छोड़ो चलो। तो मैं क्या करता था उस दिन ना, उनसे ऐसी चीजें पूछता था जो एक 10th क्लास का बच्चा नॉर्मली बता नहीं सकता, लेकिन वो चीजें 10th क्लास से लिंक जरूर होगी। समझ आ रहा क्या कह रहा हूं, एक 10th क्लास का बच्चा नहीं बता सकता लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 10th क्लास का ही टॉपिक होगा, ताकि वो बच्चों के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करे कि यार ये चीज तो सिर्फ यही टीचर पढ़ा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, लेकिन जब तक ये बाउंड्री डिफाइन नहीं करेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तब तक आपको कैसे पता कि इस बाउंड्री के अंदर पढ़ना है या इस बाउंड्री के बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा पढ़ने वाला कभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नहीं निकालता, ये याद रखना। ज्यादा पढ़ने वाले पीएचडी कर लेते हैं, कॉलेज में लेक्चरर लग जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लगाते, निकाल पाते।
कम पढ़ने वाला और सटीक पढ़ने वाला ही गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालता है, तो थोड़ा रुक जाइए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके बाद भी आपके पास 3 महीने, 3 महीने दुनिया भर की, बेशक उन्हीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, नो डाउट, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कोर्स में है या फिर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, जो भी पता चल जाएगा, फिर आप उनको भी तोल सकते हो कि हाँ ये सही पैटर्न फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन या फिर अपने आप को नंबर वन बनाने की थ्योरी है, इस पे ना काम करते हुए अपनी किताब की थ्योरी को पढ़े। अगर आपने पैडागॉजी की बात कर रहा हूं, अगर आपने किसी एक्स वाई जेड बुक से पढ़ रखी है, तो PQR बुक से भी पैडागॉजी पढ़े। PQR पढ़ ली तो JKL बुक से भी पैडागॉजी। अब कमेंट में प्लीज ये मत पूछ लेना कि सर PQR बुक कहाँ मिलेगी, ठीक है ना? तो ये सब चीजें समझे, मैं बस आपका फायदा चाह रहा हूं और कुछ नहीं। और ये बात अभी आपको नहीं समझ आ रहा, जिस दिन सिलेक्शन होगा तब समझ आएगा, रिजेक्शन होगा तब भी समझ आएगा।